नमस्कार दोस्तों, मैं मधु आपका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल मधु मेडिकल स्टोर्स डेयरी फार्मेसी में। आज मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर कुछ बताना चाहती हूँ जिसका नाम है जेनरिक मेडिसिन वर्सेज ब्रांडेड मेडिसिन। आपको पता ही होगा जेनरिक मेडिसिन क्या होती है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताती हूँ कि जेनरिक मेडिसिन क्या होती हैं। जेनरिक मेडिसिन वो मेडिसिन होती हैं जो आपको मार्केट पर उसके केमिकल सॉल्ट से डायरेक्टली जो आपको उसके केमिकल के नाम से बेची जाती है, दैट इज़ कॉल्ड जेनरिक मेडिसिन। और जो मेडिसिन आपको किसी ब्रांड नेम से बेची जाती है वो आपकी ब्रांडेड मेडिसिन हो गई। और ब्रांडेड मेडिसिन का जो MRP होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, और जो जेनरिक मेडिसिन होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा लो होती हैं। तो आप लोगों को सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आप लोगों को जेनरिक मेडिसिन खरीदनी है, और क्यों खरीदनी है उसका कारण मैं आपको बताती हूँ। जो जेनरिक दवाइयाँ होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा सस्ती होती हैं और उनकी क्वालिटी भी सेम होती है जो आपकी महंगी दवाई की होती है, लेकिन उनका MRP कम होने की वजह से वो आपके बजट में रहता है और आपकी हेल्थ पर कोई साइड इफेक्ट नहीं देता है। एज इट इज़ जैसा आपका ब्रांडेड काम करता है वैसे ही आपका जेनरिक भी काम करेगा। तो जो ब्रांडेड दवाइयाँ होती हैं, अगर आपको ये नहीं पता कि ब्रांडेड दवाइयाँ महंगी क्यों होती है, मैं उसका कारण बताऊँगी। जब अगर कोई भी केमिकल, इन केस मैं अगर एक मेडिसिन का इन्वेंट करती हूँ, जैसे आजकल चल रहा है कोरोना वायरस, अगर कोरोना की एक दवाई, अभी तक कोरोना की दवाई नहीं आई है और मैंने एक कोरोना की दवाई निकाल दी है, तो उस कोरोना की दवाई के ऊपर अगर मैंने कोई खर्चा किया है, उसको उसके ऊपर मैंने टाइम दिया है, पैसा लगाया है और उसको एक दवाई को मैंने निकाला है, तो उस दवाई के लिए गवर्नमेंट मुझे 5 साल या 10 साल जो भी मुझे पेटेंट मिलता है, मैं उस टाइम पीरियड तक अपनी दवाई को मार्केट में निकाल कर सेल कर सकती हूँ। उस मार्केट में सेलिंग के लिए मुझे एडवर्टाइजिंग की ज़रूरत पड़ेगी, MR की ज़रूरत पड़ेगी, मार्केट में डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी, केमिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी जो उस दवाई को प्रमोट करें और लोगों तक पहुँचा सकें। इस सब चीज़ के ऊपर जो भी खर्चा होगा, इन्वेस्ट होगा, उस सब चीज़ों के लिए मैं उस दवाई के ऊपर एक MRP जो भी मेरा मैं डिसाइड करूँ वो MRP मैं डाल सकती हूँ, और वो MRP पे 5 साल तक उस दवाई को मैं बेचूँगी। तो दैट इज़ कॉल्ड ब्रांडेड मेडिसिन, उस दवाई का कोई कॉम्पिटिटर नहीं होगा। लेकिन अगर वो 5 साल मेरा पेटेंट खत्म हो जाता है, उसके बाद उस दवाई को कोई भी कंपनी इजीली बना सकती है और बेच सकती है, तो वो एक दवाई का जेनरिक फॉर्म हो गया। तो अब जेनरिक किसी के पास भी मिल सकता है और वो किसी भी नाम से मिल सकता है, सिर्फ उसका सॉल्ट एक होगा, सॉल्ट एक ही होगा, ऐसा नहीं कि सॉल्ट चेंज होगा। जेनरिक मीन सॉल्ट चेंज बिल्कुल नहीं होगा, केमिकल चेंज नहीं होगा, केमिकल सेम होगा लेकिन उसका नाम चेंज हो जाएगा। तो वो नाम चेंज होने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका जो केमिकल है, क्वांटिटी है, डोज है, वो इक्वल रहेगी। तो प्लीज़ आप जेनरिक को प्रमोट करिए और जेनरिक को चूज़ करिए, क्योंकि आप जेनरिक को ही लेंगे तो आपके पॉकेट पर काफ़ी अच्छा फ़ायदा होगा आपको। तो प्लीज़ जेनरिक को प्रमोट करिए, और मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अपने आसपास के जेनरिक स्टोर में जाइए और पता कीजिए अपनी दवाइयों का, क्योंकि आपकी दवाइयाँ आप जो ले रहे हैं वो आपको बहुत ज़्यादा हाई रेट में आपको मिल रही हैं। आप जाके जेनरिक में जाएंगे तो आपको काफ़ी सस्ते रेट में मिलेंगी। और अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, और अगर कोई गलती मुझसे हुई हो तो प्लीज़ इसके लिए माफ़ करें। थैंक यू सो मच।